अपशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसे है? संघ को है। अपशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसे है? तो संघ को है, आर्टिकल्स 248 के अंतर्गत में दोस्तों, ठीक है। अपशिष्ट शक्तियों का पर लॉ यानी लॉ बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र को होगा। अपशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। कौन सा कथन सही है? संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अन्य अधिकार संसद को है, यस। राज्य सूची के विषय में विधि निर्माण करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को, यस। समवर्ती सूची को पर लॉ बनाने का अधिकार संसद और राज्य दोनों को है, यस। तो उपयुक्त सभी होगा। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तब क्या होगा? देखिए, यदि समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा जो निर्मित अधिनियम होगा उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तब क्या होगा? तो संसद का लॉ लागू होगा, ठीक है। देखिए, सिंपल सा बात है, अगर राज्य कोई लॉ लागू करना चाहता है और राज्य संघ को इस पर विवाद है तो संघ का बात मानना होगा, ठीक है। संघ को पहले बात मानना होगा, राज्य को अगर विवाद है, केंद्र को भी विवाद है तो सबसे पहले बात मानना होगा केंद्र को, केंद्र का बात, ठीक है। राज्य को केंद्र का बात मानना होगा, ठीक है। संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिभाषी होगा। किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर, किसके विषय पर? राज्य सूची के विषय पर लॉ बना सकता है संसद, सही बात है। आपातकाल की स्थिति में बना सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों का बीच सहमति हो तो बना सकता है। अंतर्राज्यीय संधि व समझौते के लागू करने के लिए आर्टिकल 253 में वर्णन है, अंतर्राज्यीय संधि या लागू करने का उपयुक्त सभी होगा। किन स्थितियों में संसद व राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? आपातकाल के समय अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने के लिए 256 में वर्णन है और 253 में भी वर्णन है। दो या अधिक राज्यों की सहमति, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं ले सकता है, कोई भी राज्य विदेशी संगठन से ऋण नहीं ले सकता है, कोई भी राज्य विदेशी संगठन से लोन नहीं ले सकता बिना बताए। सरकारी आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए है? तो केंद्र और राज्यों के संबंध में, केंद्र और राज्यों के संबंध में जो 1990 में बना था, ओके, गठित हुआ था 1983 में हुआ था, 1600 पेजों का ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था सरकारी आयोग। सरकारी आयोग 1983 में बना था और दिनेश गोस्वामी समिति 90 में बना था। दिनेश गोस्वामी समिति 90 में, जबकि 1987 में प्रस्तुत किया रिपोर्ट किसने? सरकारी ने, गठित हुआ था 1983 में, ओके। नियुक्ति व राज्य के राष्ट्रपति शासन के संबंध महत्वपूर्ण सिफारिश है, परंतु सरकारी आयोग के सुझावों को आज तक ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। सरकारी आयोग के सदस्य थे दो गो अन्य, कौन कौन? शिवराम थे, बी शिवराम व एस आर सेन थे, बी शिवराम थे और एस आर सेन थे, बी शिवराम और एस आर सेन थे। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1983 को किया गया था। सरकारी आयोग कब गठित किया गया था? 1983 को किया गया था, ठीक है, जबकि 90 में दिनेश गोस्वामी समिति बना था। संथानम समिति ने CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया था। केंद्र राज्यों के विचार करने के लिए 1983 में SRS सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। SR सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्य जो बी शिवराम थे और SR सेन थे, तीन वो SRS न्यायमूर्ति RS सरकारिया का गठन किया गया था। इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 1600 पेजों का।
आयोग ने केंद्र और राज्य के विधि उपायों संबंध राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिश दी, परंतु सरकारी आयोग के सुझाव को आज तक लागू नहीं किया। इसके अन्य सदस्य थे बी शिवराम और एस आर सेन। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो केवल संघ सरकार के पास है, आर्टिकल 248 के अंतर्गत में, आर्टिकल 248 में वर्णन है अपशिष्ट शक्तियों के बारे में, जिसका वर्णन संविधान के 9वीं अनुसूची में, जिसका वर्णन किस में है, 9वीं अनुसूची में नहीं किया गया। वर्तमान संविधान अभी अपशिष्ट शक्तियाँ कनाडा की भांति है, संघीय सरकार किससे प्राप्त हुआ, अमेरिका संविधान में या राज्यों को दिया गया है। देखिए अपशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास है वो कनाडा से लिया गया है, जबकि अपशिष्ट शक्तियाँ राज्य को दिया गया ये अमेरिका में है। पावर केंद्र को है ये कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसको है? राज्य या संघ दोनों को है। समवर्ती सूची राज्य स्टेट दोनों बनाएगा। किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? संघीय सूची का, ठीक है, संघीय सूची पर एकमात्र अधिकार है। उन अपशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची का उल्लेख ना हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? देखिए अपशिष्ट मामलों पर कह रहा है, किसके प्रकार अपशिष्ट मामले प्रकार जिनका केंद्रीय या राज्य या समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं है, अगर तीनों में उल्लेख नहीं है तो मात्र संघ करेगा, केवल संघ करेगा, यानी संसद करेगा, केवल संसद ही करेगा।